ओके गाइस, आज के लेक्चर में हम स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक फील्ड क्या होता है, उसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास स्टूडेंट, जिसके अंदर दो फील्ड है, एक है रोल नंबर, दूसरा है नेम। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक क्लास मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। क्लास के अंदर दो फील्ड आपको दिख रहे हैं, एक है इंटीजर रोल नंबर, दूसरा है नेम। अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक S1 मैंने क्रिएट किया, तो इनको मेमोरी कैसे रिजर्व होती है। अब ये देखिए S1 है, ओके, ये S1 है और ये है आपका रोल नंबर, ये है आपका नेम। ओके, जब मैंने इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो सेम इसका जो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ओके, इसको नाम दिया S2। सपोज एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, स्टूडेंट S3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके, एक और मेमोरी वहाँ पे रिजर्व होगी। ये वाले तो तीन ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाए। सो यू कैन सी, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुआ। इसका रोल नंबर S1 का अलग रहेगा, S2 का अलग रहेगा, S3 का अलग रहेगा, S1 का नेम अलग रहेगा, S2 का अलग रहेगा, S3 का अलग रहेगा। मतलब सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये जो वैल्यू वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये नॉर्मल वेरिएबल है, तो इनको यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जैसे अभी तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, तो रोल नंबर की कितनी कॉपी बन गई, तीन, हर एक के लिए एक सेपरेटली, S1 के लिए अलग, S2 के लिए अलग और S3 के लिए अलग। फिर नेम जो है उसकी भी तीन कॉपी सेपरेट बनी, S1 के लिए अलग, S2 के लिए अलग और S3 के लिए अलग। इसका मतलब यह है कि जितने वेरिएबल हम लिखते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। बट समटाइम्स, अब देखिए, स्टूडेंट का रोल नंबर अलग हो सकता है, नेम अलग हो सकता है, बट उसका कोर्स यानी कॉलेज, सपोज कॉलेज तो सेम होगा ना उसका, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो स्ट्रिंग कॉलेज, तो कॉलेज तीनों का सेम है, तो मैं तीनों के लिए सेपरेट मेमोरी क्यों यूज़ करूँ, मैं तीनों के लिए एक ही मेमोरी यूज़ करूँगा और तीनों ऑब्जेक्ट उसको मिलके शेयर करेंगे। ओके, ये मुझे वहाँ पे कंसेप्ट अचीव करना है। तो उस दौरान मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जो वेरिएबल है इसको मैं डिक्लेयर करूँगा स्टैटिक, इसको मैं डिक्लेयर करूँगा स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। मतलब जब मैं स्टैटिक कीवर्ड लिखता हूँ, तो कंपाइलर को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी मुझे एक ही कॉमन कॉपी क्रिएट करनी है, इसकी एक ही मुझे कॉमन कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे अभी देखिए आप, यहाँ पे ये हो गया, ओके, कॉमन कॉपी मैंने क्रिएट की इसकी, ओके, और ये यहाँ पे हम ऐड कर देते कॉलेज। तो अभी S1 हो गया, S2 हो गया, भले उनका रोल नंबर अलग है, भले उनका नेम अलग है, बट कॉमन थिंग क्या है उन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, दैट इज अ कॉलेज। कॉलेज तीनों का सेम है, बराबर, कॉलेज तीनों का सेम है। तो हम तीनों को अलग अलग वैल्यू की बजाय एक ही वैल्यू शेयर करेंगे, एक ही मेमोरी शेयर करेंगे। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, और तीनों ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेंगे, S1 भी इसको शेयर करेगा, S2 भी इसको एक्सेस करेगा, S3 भी इसको एक्सेस करेगा। सो ये जो वेरिएबल होता है, ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो गाइस, कभी भी ये जो स्टैटिक वेरिएबल तभी यूज़ करना जब आपको लगेगा कि द वेरिएबल शुड बी शेयर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड ओनली वन मेमोरी इज क्रिएटेड। एक ही मेमोरी आप वो वेरिएबल की क्रिएट होती है वहाँ पे, सॉरी। तो तीनों वेरिएबल को जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उनकी एक एक कॉपी वहाँ पे क्रिएट होती है, बट जो कॉमन हमें क्रिएट करना है उसको स्टैटिक डिक्लेयर करना है। सो दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ओके, ये होता है वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल।
एंड स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अभी आप सपोज आपके घर में दो भाई होते हैं, दोनों की कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, बट एक ऐसी चीज़ होंगी दोनों भाई आप उसको शेयर करोगे, और वो दोनों अगर आप शेयर कर रहे हैं तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूर पेरेंट्स। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसको मेमोरी कब रिजर्व होगी, है ना, इसको मेमोरी कब अलोकेट होगी, इसको मेमोरी सीधा सीधा जब आप इसको लिख रहे हो, जब आपने डिक्लेयर किया मेमोरी इज अलोकेटेड, मेमोरी इज अलोकेटेड, और इनको मेमोरी कब अलोकेट होगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद मेमोरी क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट देन मेमोरी अलोकेटेड, देन मेमोरी अलोकेटेड, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, बट ये कॉमन है, तो इट इज़ बिलोंगिंग टू डायरेक्टली क्लास, ये क्लास से बिलोंग करता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए जैसे क्लास आपका बना उसकी मेमोरी रिजर्व हो गई। सो स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग टू दैट क्लास, नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है नहीं, ऑब्जेक्ट भले ही उसको शेयर करेंगे बट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही उसको मेमोरी रिजर्व होगा, ऐसा नहीं है। ओके ओके, तो ये हो गया कंसेप्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो अभी स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पता चल गया, इट इज़ कॉमन, इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग टेक्स्ट पैड हियर, ठीक है, फाइल सेव करते हैं पहले, सेव एज, इसका नाम देते हैं स्टैटिक टेस्ट, कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन चूज करो, ओके, स्टैटिक टेस्ट डॉट जावा, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ओके समवन, ओके नाउ यहाँ पे ये हो गया आपका स्टैटिक टेस्ट। तो क्लास क्लास सैंपल, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इंटीजर x एक कॉमन वेरिएबल लेता हूँ और स्टैटिक इंटीजर y ये एक स्टैटिक वेरिएबल लेता हूँ। ओके, यू कैन इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल हियर डायरेक्टली लाइक दिस, ओके इसको इनिशियलाइज कर सकते हो आप। उसके बाद मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, पब्लिक सैंपल, पब्लिक सैंपल, ओके एक काम करते डायरेक्टली पब्लिक वाइड सेट वैल्यू फंक्शन लेता हूँ मैं, सेट वैल्यू, सो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम वैल्यू सेट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, ओके लाइक दिस। नाउ पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ठीक है, अगेन यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके सो x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y, ओके एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, ठीक है, नाउ द डिस्प्ले फंक्शन इज कंप्लीट, क्लास इज कंप्लीट, नाउ क्लास स्टैटिक टेस्ट, ओके पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ओके अब मैं इसके तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ओके सो सैंपल s, सैंपल s1 इक्वल टू न्यू सैंपल, सैंपल s2 इज इक्वल टू न्यू सैंपल,
सैंपल एस थ्री इज इक्वल टू न्यू सैंपल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो सेट वैल्यू की जगह ना इसको कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक सैंपल। सो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, इसमें 10, 20, 30, 40 ओके और 50, 60 ये तीन वैल्यू इसमें दे दिया मैंने। नाउ अब मैं तीनों की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ओके सो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे s1.display, उसके बाद s2.display और s3.display। ओके ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम, इसको सेव किया। अब आप मुझे बताएंगे जब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करेगा तो आउटपुट क्या आएगा और किस तरीके से आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। टूल कंप्लीट सक्सेसफुली, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। अब देखिए x की वैल्यू आई 10, बट लुक एट द y वैल्यू इज 60। x की वैल्यू आई 30, बट अगेन लुक एट द y वैल्यू इज 60। x की वैल्यू 50 आई और उसके बाद y की वैल्यू 60। अब ये जो तीन ऑब्जेक्ट हमने बनाए, अभी ये पहला जो x और y है ये आपका s1 का डाटा है। अब s1 का डाटा तो मैंने 10, 20 सेट किया था, फिर आप बोलेंगे सर ये 10, 60 क्यों आया। ओके फिर s2 का डाटा तो मैंने 30, 60, 30 और 40 सेट किया था, डाटा आया 30, 60। हाँ s3 का बराबर आया। अब ये कैसे हुआ मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। ओके क्योंकि y इज अ स्टैटिक वेरिएबल एंड y इज क्रिएटेड ओनली वन कॉपी, ये लॉजिक पहले समझ लो आप, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का एक ही मेमोरी वहाँ पे क्रिएट होता है। बट यहाँ पे x नॉर्मल है तो x की एज पर द ऑब्जेक्ट कॉपी क्रिएट होगी। चलो समझते हैं इसको किस तरीके से। अब हमारा जो प्रोग्राम था इसके हिसाब से हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, s1 s2 एंड s3। तो ये पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके और ये आपका y है, ये आपका y, तो इसके बाहर मैं नाम दे देता हूँ y। ओके ये आपका y वेरिएबल है और ये s1 का x है, इसको नाम देते हैं बाहर हम x। एक काम करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा इंसर्ट शेप्स, एक दो तीन चार पाँच, अभी समझाने आपको कंसेप्ट समझाता हूँ तभी आपको समझेगा कि किस तरीके से वो y की वैल्यू कॉमन आ रही है। ओके ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ओके ये हो गया आपका x, बट ये किसका x है तो ये ऑब्जेक्ट नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे s1, ये किसका x है s2, ये किसका x थे s3, और ये y सबके लिए कॉमन है y। लुक एट इट नाउ, यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके सो ये हमारा कोडिंग। पहला ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट किया तो उसमें मैंने x में 10 और y में 20 पास कर दिए। तो अभी देखिए x में 10, ओके ये यहाँ पे 10 हमने सेट कर दिया और y के अंदर आ गया 20। अब y तीनों के लिए कॉमन है बट x अलग अलग है, ये बात याद रखो। ठीक है, ये जब s1 पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये हुआ, जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो इसमें आ गया 30, बट अभी 40 हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, अगेन y में, y में तो पहले से वैल्यू है तो अभी क्या है, क्योंकि s1 के लिए भी y सेम है और s2 के लिए भी y सेम है क्योंकि y इज अ स्टैटिक मेंबर है। अब इस केस में पहली वैल्यू डिलीट हो जाती है, नई वैल्यू उसमें आ जाती है, मतलब y की वैल्यू हो गई 40। थर्ड टाइम जब तीसरा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, मैंने वैल्यू पास किए 50, 60, 50 तो यहाँ पे आ गया
बट अगेन वाई कॉमन है, तो जो पहले 40 था वो लॉस हो जाएगा 60। मतलब जब आपका तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वाई में क्या वैल्यू मिली आपको, बोलो? 60। ओके, और फिर जब मैंने इसको प्रिंट किया ना s1.display, तो x की वैल्यू तो बराबर 10 प्रिंट हुई, लेकिन y की क्या प्रिंट हुई, 60 प्रिंट हुई यहाँ पे जब मैंने इसको कॉल किया तो, है ना। और उसके बाद s2 की वैल्यू जब मैंने प्रिंट की तो 30 और 60 होगी, ओके, और जब मैंने s3 की वैल्यू प्रिंट की तो 50-60 प्रिंट होगी, ओके। तो ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। तो इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल सबके लिए कॉमन है और सारे मेंबर उसको शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ओके। जब लास्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट ने उसको एडिट किया ना, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। समझो आपके घर पे एक टू व्हीलर है, अब बड़ा भाई लेके अभी पेरेंट्स ने जब खरीदी तो वो ब्लैक कलर की खरीदी थी, तो सबसे पहले आपके घर में ब्लैक कलर की बाइक आई, बड़ा भाई लेके गया उसको रेड कलर करके लाया, ओके, और फिर उसके बाद छोटा भाई लेके गया उसको ब्लू कलर करके लाया, तो पेरेंट्स को कौन से कलर की गाड़ी दिखेंगी, ब्लू कलर की, जो आखिरी में चेंज हुआ, क्योंकि दोनों ने एक ही बाइक शेयर की ना, अलग अलग बाइक थी क्या उनकी, नहीं। अगर उनकी दोनों की अलग अलग बाइक होती तो एक को रेड कलर मिलता, एक को ब्लू कलर मिलता, बट उन्होंने एक ही बाइक का कलर चेंज किया, दोनों उसको शेयर करने वाले थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है, जो तीनों के अलग अलग जो वेरिएबल थे ना उनकी बराबर वैल्यू अलग अलग सेट हुई, बट जो तीनों के लिए कॉमन था जिसको तीनों शेयर कर रहे हैं, पहले ने 20 रखा बट दूसरा आके उसमें 40 रख के चला गया, दूसरे ने 40 रखा तो तीसरा आके उसमें 60 रख के चला गया, जब फाइनल उसके पेरेंट उसको देखेंगे तो उसको मिलेगा 60, जब हम डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट, दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ओके। कंपाइलर क्रिएट ओनली वन कॉपी, एक ही कॉपी बनाएगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स शेयर दैट कॉपी, ओके, ये हो गया। और स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग टू क्लास, डायरेक्टली क्लास से बिलोंग होता है, ऑब्जेक्ट की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट भी आप डायरेक्टली उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे सपोज मैं ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल एक्सेस करना है, ये वाला वाई वाला, तो मैं देखो अभी डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट के, अगर मैं ऑब्जेक्ट के बिना अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे इसको अभी x की वैल्यू एक्सेस करता हूँ, x इज इक्वल टू ओके, अभी सैम्पल का x है ना, वो हमारे क्लास का नाम है सैम्पल, सो सैम्पल x इज इक्वल टू प्लस सैम्पल x। अभी देखो यहाँ पे एरर आएगा, इसको सेव किया, कंट्रोल, सी दिस एरर क्या आया, यहाँ पे एरर आया, एरर मेथड रेफरेंस नॉट एक्सपेक्टेड हियर। तो ये जो x है ना, इसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट ही लगेगा, बिना ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, बट अगर मैं इसको y कर लूँ, नाउ y इज एक्सेसिबल, अगेन एरर इज दैट मेथड रेफरेंस नॉट एक्सेप्टेड, क्लास का नेम बराबर है ना, सैंपल, हाँ, वेरिएबल y कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल y, ओके, इसको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक करना पड़ेगा, सो पब्लिक स्टैटिक तभी एक्सेस होगा वो, अगेन एरर इज दैट कैनॉट फाइंड सिंबल, ओके,
सर वाई यू कंसीडर बी कैटेगरी यस पब्लिक सैंपल एक्स इक्वल टू ए वाई ओके लुक एट हियर अभी ये कंप्लीट हो गया इसको रन करता हूँ आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी बिना ऑब्जेक्ट की मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया यहाँ कहीं पे भी डायरेक्ट क्लास का नेम यूज़ किया है बट अगर मैं ऐसे इसको x लिखूँ सैम्पल डॉट x अगर लिखूँ मैं इसको एक मिनट ये डायरेक्टली रन हो गया पहले कंपाइल करना पड़ेगा अब एरर आ गया एरर क्या आएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंस्टेंट सिंपल है कि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है इसके लिए ऑब्जेक्ट लगेगा आपको सो x को आप बिना ऑब्जेक्ट नहीं कॉल कर सकते वेयर एज y को बिना ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते बिकॉज y इज अ स्टैटिक एंड इट इज बिलोंग टू क्लास इसलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग टू क्लास इस तरीके से वो उसको क्लास को बिलोंग करता है तो गाइज ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल इस तरीके से वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सो दोनों में डिफरेंस समझिए ये क्या होता है एक नॉर्मल वेरिएबल है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट बनेगा बट ये स्टैटिक है तो एक ही कॉपी बनेंगी और सभी ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेंगे ओके और ये क्लास से बिलोंग है ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है इसलिए ये डायरेक्टली क्लास से बिलोंग है सभी उसको शेयर करेंगे ओके कॉमन थिंग्स ओके और फिर उसको अगर हमने देखा तो इसका एक एग्जाम्पल है सो दैट्स इट फ्रॉम द स्टैटिक वेरिएबल ओके